हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ के साथ नीचे बेल नोटिफिकेशन है इसको हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्विकली आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो अगर आपका भी कोई ऐसा फेवरेट ब्लॉगर या कोई ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ, सो प्लीज़ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ड्रॉप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ अगेन रितु एंड गौरव से रिलेटेड। आप लोग जानते हैं कि इस समय पे उनकी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हाइप पे है। आप इसे कंट्रोवर्सी बोलें या जो सिनारी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है उसको जो भी नाम आप देना चाहें आप वो चीज़ें दे सकते हैं। तो बेसिकली मैं अब उन 99% को 100% बोल सकती हूँ एंड आई एम श्योर आप में से सब बोल सकते हैं। पहले हमने अपनी आँखों से, अपने कानों से जो आवाज़ सुनी थी, अपने आँखों से जो विटनेस किए थी चीज़ें, उस पर भी हमें 99% ही विश्वास हो रहा था। कुछ लोगों को तो 99% भी विश्वास नहीं हो रहा था देखने और सुनने के बाद भी। ये ऑडियंस का देखिए प्यार होता है और विश्वास होता है कि देखने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही गौरव जी ने कल अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट रिलीज़ किया उसके बाद सबको कंफर्म हो गया कि यस, जो चीज़ें हम सुन रहे हैं, जो चीज़ें हमने देखी हैं, वो चीज़ें एग्जैक्टली सही हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जो स्पिरिचुअल हो और कोई भी इंसान जो हिंदू धर्म से बिलोंग करता हो वो डेफिनेटली एक ऐसी जगह पे जाके झूठ नहीं बोलेगा और एक ऐसी जगह के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा। वो कोई छोटी मोटी जगह पे जाके अपना दुख साझा नहीं करके आई थी, वो प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में जाके एकांत वार्तालाप में अपनी बातें रख के आई थी, अपने सवालों के जवाब वहाँ पर ढूंढने के लिए गई थी। और आप जानते हैं कि बहुत खुशनसीब वो लोग होते हैं, भाग्यशाली आप बोल सकते हैं वो लोग होते हैं जो वहाँ उनके दर्शन कर पाते हैं या उनसे अपनी बातों का सल्यूशन ले पाते हैं। सुनने में ये भी आया है कि रितु ने दीक्षा भी ली हुई थी वहीं से और शायद इसीलिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थी कि मुझे अपने रिलेशनशिप में आगे क्या करना है। अगर कि मैं इस चीज़ के लिए संविधान के हिसाब से लड़ती हूँ तो ऐसा ना हो कि जो दीक्षा मैंने ली है, जिन प्रभु जी को मैंने माना है, लाडली जू को मैंने माना है या शिव जी को मैंने माना है, ऐसा ना हो कि उनका आश्रय या उनकी कृपा मेरे से छूट जाए। तो वहाँ पे ही अपने बेसिकली इसी सवाल के जवाब के लिए वो गई थी और टाइटल अभी भी बहुत सारे लोगों के दिमाग से नहीं निकला है। टाइटल के शुरू में ही यही था, छल कपट अपमान। छल का मतलब आप समझ सकते हो, कपट का मतलब आप समझ सकते हो और अपमान आप लोग समझ सकते हो। तो उनका सवाल ही यहीं से शुरू हुआ था और उन्होंने बोला ही यही था कि मैंने बहुत ज़्यादा प्यार किया और बदले में मेरी साइड से बहुत ज़्यादा प्यार मिला और बदले में मुझे छल भी मिला, कपट भी मिला, अपमान भी मिला, अब मुझे क्या करना चाहिए। खैर, इस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया है गौरव ने आके जो अपना इंस्टाग्राम पर उन्होंने जो पोस्ट किया है गौरव जी ने, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई नहीं किया है क्योंकि वो जिस धार्मिक स्थल पे गई हुई थी ना, अगर वो उस चीज़ को डिनाई कर देते तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सबकी नज़रों से गिर जाते कि आपने मतलब ऐसे पर्सनालिटी को झूठा बना दिया, ऐसी पर्सनालिटी के एकांत वार्तालाप को झूठा बना दिया। तो उन्होंने वहाँ पे इस सच्चाई को देखिए एक्सेप्ट करना ही था क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं था और आई थिंक वो करने में बिलीव भी कर रहे होंगे कि मैं झूठ क्यों बोलूँ। अब जब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे आ ही गई हैं, सबको पता लग ही गया है तो फिर इस चीज़ को मैं बता देता हूँ। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना किया कि मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में पब्लिकली नहीं बताने वाला, मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन पब्लिकली नहीं दूंगा। जिस पर उनके फैंस भड़के हैं, आप जाके उनका कमेंट सेक्शन चेकआउट कर सकते हैं, उनके फैंस उनके इस स्टेटमेंट पे भड़के हैं और तरह तरह के कमेंट्स उनके इंस्टाग्राम पे जाके करने लगे हैं। मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स आपके सामने पढ़ भी देती हूँ कि किस तरीके से उनके ऊपर भड़क रहे हैं। सबसे पहले एक यूज़र यहाँ पे लिख के कहते हैं कि सेइंग सोशल मीडिया इज़ नॉट अ प्लेस टू डिस्कस सोशल मैटर्स व्हेन एवरीथिंग ऑफ योर लाइफ इज़ ऑन सोशल मीडिया, फ्रॉम प्रेगनेंसी टू डिलीवरी टू किड्स टू फूड्स टू लॉस टू प्रॉफिट टू हैप्पी टू क्राई एवरीथिंग, एंड नाउ सोशल मीडिया इज़ नॉट द प्लेस। इफ़ यू कैन ओनली शो हैप्पीनेस एंड हाइड एक्चुअल रियल लाइफ देन दिस इज फेक सिनेरियो यू आर मेकिंग पीपल बिलीव इन। If your wife is suffering so much, oh sorry mother of your child is suffering so much, then sort that out instead of free Dubai trip. Stop showing life all roses when it's actually not. And stop playing men card if you did
चल छल कपट अपमान ऑफ योर वाइफ देन वाई मैन कार्ड नाउ। तो यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली और बहुत एक तरीके से बोलूँगी कि इन्होंने प्रैक्टिकल बोला है कि अब आप ये बोल रहे हो कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा, तो सोशल मीडिया पे तो आपने अपनी हर एक लाइफ यहाँ पे दिखाई है, प्रेगनेंसी जर्नी यहाँ पे दिखाई है, डिलीवरी अपने बच्चों की डिलीवरी यहाँ पे दिखाई है, अपने बच्चों के चोटे तक यहाँ पे दिखाई है, अपना प्रॉफिट, अपना लॉस, अपनी हैप्पीनेस, अपना क्राई, मतलब सारे अप डाउन आपने सोशल मीडिया पे यहाँ पे दिखाए हैं। और अब जब सच में कुछ ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है तो अब आप इस एक्चुअल सिनेरियो को छुपाना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं। ऊपर से मैंने बोला था कि इनके एक स्टेटमेंट पे लोग बहुत ज़्यादा भड़के हैं, जहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि मदर ऑफ माय किड्स, ये नहीं लिखा कि माय वाइफ। तो इस पे भी उन्होंने एक टॉन्ट मारते हुए लिखा है, इफ़ योर वाइफ इज़ सफरिंग सो मच, ओ सॉरी मदर ऑफ़ योर चाइल्ड इज़ सफरिंग सो मच, तो इसे सॉर्ट करो, दुबई प्लान और ट्रिप करनी छोड़ो, इसको सॉर्ट करो। और जो एलिगेशंस, जो क्वेश्चन लगाए हैं इनकी वाइफ ने, वो छल कपट अपमान झूठ, ये बहुत मेजर एलिगेशन होते हैं। आई थिंक हमारा पूरा रिश्ता ही एक शादीशुदा ज़िंदगी में इन्हीं चीज़ों के बदौलत रिश्ता टिका होता है। किसी रिश्ते में छल है, कपट है, अपमान है, झूठ है, तो फिर वो रिश्ता है ही नहीं, किसी बुनियाद पे फिर वो रिश्ता नहीं टिक सकता, क्योंकि यही तो सारी चीज़ें होती हैं जिस पे शादीशुदा इंसान का रिश्ता टिका हुआ होता है। तो बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं फैंस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने एक तो सोशल मीडिया पे चीज़ें बताने से इनकार कर दिया, ऊपर से अपनी वाइफ को अपनी वाइफ ना कह के अपने बच्चों की माँ कह के उनको बताया, तो इस चीज़ से भड़के हुए हैं। और एक बात और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि कुछ लोग यहाँ पे जेंडर को लेके भी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने जेंडर को लेके कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए थे, हालांकि वो क्वेश्चन नहीं दिखाया गया बट आंसर वो दे रहे थे कि लड़का लड़की आज की डेट में कुछ नहीं होते हैं, तो उसे लेके भी लोगों के माइंड में ये सवाल है कि क्या पता ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ हो, एज्यूम कर रहे हैं। बट जहाँ से मैंने इनकी जर्नी देखी है ना, क्योंकि शुरू में जो क्वेश्चन पढ़ा गया है उस क्वेश्चन में कहीं पे भी बच्चियों को लेके कोई ऐसा सवाल नहीं था कि बेटी बच्चों में कुछ भेदभाव करते हैं, उनके तीन चार ही एलिगेशन थे, छल कपट झूठ और अपमान, तो ऐसा कुछ भी उन्होंने शुरुआत में ही ऐसा कुछ नहीं लिखा था। अब क्योंकि हमने खुद भी इनकी जर्नी देखी है, जैसे कि इन्होंने जिन्होंने भी कमेंट किया था बहुत सही बात बोली कि हमने इनकी प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी से लेकर डाउनफॉल से लेकर बच्चों की चोट तक कैमरे में कैप्चर करी है, भूकंप आता था तो टॉयलेट के अंदर बैठ के ये उस भूकंप को भी शूट करते थे, मतलब हर चीज़ कम्प्लीटली हर चीज़ इन्होंने अपनी सोशल मीडिया को दिखाई है। तो वहाँ पे अगर आप सोशल मीडिया के पब्लिक इनसे इस बात की डिमांड करें कि आप जब एक्चुअल इतनी बड़ी चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो गई तो आप इसको हाइड क्यों करना चाहते हो, इस चीज़ को फेस क्यों नहीं करना चाहते हो, अगर आपका कोई साइड है तो अपना साइड बताओ, और सच में अगर आपने कुछ गलतियां करी हैं तो वो बताओ, बट एटलीस्ट बताओ ना, क्योंकि आप तो व्लॉगर हो, आपने अपनी ऑडियंस को अपनी सारी ज़िंदगी खुली किताब की तरह दिखाई है, तो अब जब रियल चीज़ें दिखाने का समय आया तो वो चीज़ें आप अपनी ऑडियंस से आखिर क्यों छुपा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी जेंडर वाली, कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है कभी कभी बातें करते करते, तो जेंडर पे मैं इसीलिए इस क्वेश्चन पे देखिए बिलीव नहीं करूँगी, बिकॉज मैंने उनको उनकी बच्चों के साथ समय बिताते हुए देखा है, उन्होंने कई बार सिंगल हैंडेड भी अपनी बेटियों को रखा है, संभाला है, चाहे वो उनकी बड़ी बेटी हो चाहे वो उनकी छोटी बेटी हो, हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता था कि रितु घर पे नहीं होती थी, जैसे वो वर्किंग है तो वो अपनी जॉब पे होती थी, तो उनके पीछे से गौरव जी ने बच्चियों को संभाला है और बहुत अच्छे से संभाला है, उनकी बच्चियाँ बहुत कम टाइम में बहुत मैच्योर है, बहुत मतलब बड़ी वाली बेटी तो उनकी बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें ग्रैब करने लग गई थी, तो वहाँ से इंसान की संस्कार और परवरिश दिखती है कि बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं करी, हालांकि हमेशा बच्चों के कपड़ों को लेके उनको ट्रॉल किया जाता था, और अभी भी कुछ लोग रितु को भी इससे रिलेटेड ट्रॉल कर रहे हैं कि इतने स्टाइलिश कपड़े पहनती थी, ऐसे रहती थी वैसे रहती थी और बच्चों को कभी भी ठीक से नहीं रखा, तो उस चीज़ के लिए भी उनको ट्रॉल किया जा रहा है। लेकिन जहाँ तक मैंने गौरव जी को बच्चों की बात है तो मैंने देखा कि उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाला है,
बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से। इतने छोटे बच्चों को कोई भी पिता सोलो ट्रिप पे ले जाने की सोच भी नहीं सकता, मतलब 7-8 साल के बच्चे को भी अकेले सोलो ट्रिप पे ले जाने की नहीं सोच सकता। वहाँ पे हमने उनकी बड़ी बेटी को भी अपने पापा के साथ सोलो ट्रिप पे जाते हुए देखा है और छोटी बेटी को भी सोलो ट्रिप पे जाते हुए देखा है। तो बेटियों के मामले में मैं नहीं कह सकती कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते होंगे, वो डेफिनेटली अपने बच्चों से प्यार करते हैं। और जो लास्ट रील उनके इंस्टाग्राम पे है, उस लास्ट रील में आप अगर गौर से देखेंगे तो उस लास्ट रील में ना एक मैसेज भी जा रहा है। अब क्योंकि तब तक हमें ये बात पता नहीं थी पहले, तो हमने ये सारी कड़ियाँ जोड़ी ही नहीं, लेकिन अब जब हमें ये बात पब्लिकली पता चल गई है तो अब अगर आप ये कड़ियाँ जोड़ेंगे ना तो आपको इस कड़ियों से मिलता जुलता बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। जैसे कि उन्होंने अपनी लास्ट रील में लिखा है, गर्ल्स आर डैडीज़ प्रिंसेस, दे ग्रो अप सो फास्ट एंड लीव डैडी वन डे, कि जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने पापा की प्रिंसेस होती हैं। तो शायद जो चीज़ें हमारे पास बाद में आई, लगता है वो चीज़ें इन्हें ऑलरेडी पहले से पता थी, वो सेशन शायद इन्होंने पहले सुन लिया था। और क्योंकि ये रील उससे पहले की है, मतलब जब सोशल मीडिया में ये चीज़ पता चली, ये रील उससे पहले की है, तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ जस्टिफाई करी है कि जो लड़कियाँ होती हैं वो पापा की प्रिंसेस होती हैं। उसके अलावा अगर आप गौर से इनका कैप्शन पढ़ेंगे तो इनके कैप्शन में देखिए, स्पेंड सम अलोन टाइम विद द किड्स, peace, calm and relaxing, thank you for this wonderful time after a long time, spend some quality time with family, मतलब अलोन टाइम अपने किड्स के साथ और काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि उस सेशन में रितु ने यह बात क्लियर करी थी कि मैं उनसे अलग रह रही हूँ और सेपरेट रह रही हूँ, अपने बच्चों के साथ सेपरेट रह रही हूँ। सो आई थिंक बच्चों को इस वक्त पे जो ये ट्रिप दिखाई गई है, इस ट्रिप पे बच्चों को काफ़ी समय के बाद मिले थे, गौरव जी काफ़ी समय के बाद मिले थे, शायद इसीलिए ये कैप्शन ये बता रहा है कि बहुत समय के बाद बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ विद द फैमिली। उसके बाद उन्होंने ये लिखा है, मिसिंग आवर मेंबर, वहाँ पे रितु का इन्होंने वो लगाया हुआ है, @ करके मैंशन किया हुआ है, मिसिंग आवर मेंबर, ये नहीं लिखा कि मिसिंग माई वाइफ, ऐसा नहीं लिखा। अगेन इन्होंने सारी जगह लेकिन पता नहीं क्यों टाइम से पहुंच रहे थे इस बार। अगर आप गौर से इस लाइन को समझ पा रहे हो, मेरे एक्सप्लेन करने से पहले फटाफट कमेंट्स में मुझे बताना कि मेरे एक्सप्लेन करने से पहले क्या आप इस लाइन का मतलब समझ गए थे, सारी जगह लेकिन पता नहीं क्यों टाइम से पहुँच रहे थे इस बार, आप कमेंट्स में बताना। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि जहाँ तक इन दोनों लाइन से मेरा जा रहा है, मैं अज्यूम कर पा रही हूँ अगर, तो इसका मतलब ये था कि जब वो अपनी वाइफ के साथ ट्रिप पे जाते थे तो हमेशा वो तैयार होने में लेट लगाते थे, जिसकी वजह से वो हर जगह पे लेट पहुँचते थे, हर डेस्टिनेशन में लेट पहुँचते थे। और इस बार उन्होंने लिखा है कि सारी जगह लेकिन पता नहीं क्यों टाइम पे पहुँचे हैं इस बार, क्योंकि इस बार वाइफ साथ में नहीं है और जो तैयार होने में वो टाइम लेती थी वो टाइम नहीं लिया गया, तो इस बार वो अपनी हर डेस्टिनेशन में टाइम पे पहुँचे हैं। तो यहाँ से देखिए उनकी फीलिंग्स भी दिख रही हैं कि फीलिंग्स हैं, एब्सेंस फील कर पा रहे हैं और प्रॉब्लम में हैं, हर्ट भी हैं, लेकिन इस समय तक उन्हें पता नहीं था कि सोशल मीडिया पे इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तब तक उन्होंने अपने जो ये हैं कैप्शन में डाला, किसी ने आइडिया भी नहीं लगाया होगा इस बात का, लेकिन अब ये सारे कैप्शन से हम चीज़ें रिलेट कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों लिखा गया। तो अभी भी देखिए, होप फॉर द बेस्ट बोलते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और छोटा मोटा रिश्ता नहीं है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है और लव मैरिज है, एक दूसरे को प्यार करने के बाद शादी करी है। सो गलतियां इंसान से होती है, आई थिंक माफ़ करना चाहिए, माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए, बट अगर रिलेशनशिप वाकई में टॉक्सिक है तो मैं तब फोर्स नहीं करूँगी कि आप ज़बरदस्ती के किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहो जहाँ पे आपका मेंटल पीस ख़राब हो रहा हो, आपकी लाइफ स्पॉइल हो रही हो और आपके मान सम्मान आत्मविश्वास खराब हो रहा हो, आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रहा हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर कि आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुका है तो फिर आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर स्टिल लव है, स्टिल रिस्पेक्ट है, तो आप उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए काम कर सकते हो। लेकिन जो 3-4 शिकायतें रितु ने करी हैं वो छोटी मोटी शिकायतें नहीं हैं। अगर वाकई में उनके साथ छल हुआ है, वाकई में अगर उनके साथ कपट हुआ है, वाकई में उनके साथ अगर झूठ बोला गया है और वाकई में अगर उनका अपमान होता है, तो इसके अलावा ज़िंदगी फिर है ही नहीं हस्बैंड वाइफ की,
अगर ये चीज़ें रिश्ते में ख़त्म हो जाती हैं तो फिर लाइफ आई डोंट थिंक सो कुछ बचती भी है। वेल ठीक है, इन्होंने अपने पोस्ट में बोला है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ चीज़ों को ठीक करने का। तो अगर चीज़ों को ठीक करने का ट्राई कर रहे हैं तो आई थिंक वो ट्राई इन्हें करना चाहिए। ये थे पब्लिक के कुछ रिव्यूज़ इनके उस पोस्ट के बाद कि पब्लिक बिल्कुल भड़की हुई है और वो जानना चाहती है कि आप छुपाओगे क्यों, आपको ये छुपाना क्यों है। मतलब अब यहाँ पे अगर आप फॉल्ट में हो तो इसका मतलब आपको चीज़ें छुपानी है, अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है क्यों। इतना बड़ा एलिगेशन अगर कोई वाइफ इतनी पवित्र जगह पे, पावन जगह पे आपके ऊपर लगा के आई है, रोते रोते आई है, तो वो झूठ नहीं बोलेगी वहाँ पे। सबसे पहली बात कि वो वहाँ पे जाके, उस धरती पे जाके झूठ नहीं बोलेगी। और अगर वो झूठी नहीं है तो फिर आप छुपाना क्या चाहते हो, सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए यहाँ पे मैन कार्ड खेल रहे हो। ऐसा ऑडियंस का बोलना है कि मैन कार्ड क्यों खेल रहे हो, एक्सेप्ट इट, अगर गलत किया है तो एक्सेप्ट इट, लेकिन यहाँ पे इमोशनल और मैन कार्ड प्लीज़ मत खेलो। क्योंकि जितना कॉन्ट्रीब्यूशन इनका ऋतु की ज़िंदगी में रहा है, आई थिंक उतना ही ऋतु का इनकी ज़िंदगी में भी रहा है। इन्होंने अपने करियर को टाइम टू टाइम स्विच किया है और वहाँ पे ऋतु ने इन्हें हमेशा इनके हर करियर पे सपोर्ट किया है, हर एक करियर पे सपोर्ट किया है, इनके हर एक स्टेप की रिस्पेक्ट करी है और इनके साथ खड़ी रही है। ये नहीं सोचा कि इस समय पे ये गलत कर रहे हैं या इस समय पे ये सही कर रहे हैं। अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर के प्रति जितनी लॉयल्टी होती है, जितना खड़ा एक बीवी रह सकती है, उस तरीके से वो अपने हस्बैंड के साथ हर टाइम हर मुसीबत में खड़ी रही है। तो इनकी लाइफ में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा पूरा है और इनकी लाइफ में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी पूरा पूरा है। सो देखते हैं आगे क्या चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं। वैसे तो उन्होंने पब्लिकली चीज़ें बताने को मना कर दिया है, लेकिन पब्लिक इस चीज़ से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, अग्री नहीं है कि आप क्यों छुपाओगे। आपने चोट तक यहाँ दिखाई है, डिलीवरी तक, यहाँ आप क्यों छुपाओगे। आप लोगों का क्या कहना है इस पूरी चीज़ में, कि आप लोग भी चाहते हैं कि ये बातें ये सोशल मीडिया पे हम लोगों को, पब्लिक को ना बताएं किसके साथ पीछे से क्या हो रहा है, चीज़ें सॉर्ट हो रही हैं, चीज़ें बिगड़ रही हैं, कौन प्रॉब्लम में जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, क्या आप लोग इस चीज़ की अपडेट नहीं चाहते हैं या चाहते हैं कि ये अपडेट ये हमें दे, क्योंकि हमारा हक बनता है ये सब चीज़ें जानने का। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।